सेफेस्ट जिम इन टाउन ब्रिंग्स टू यू फिटनेस की होम डिलीवरी। अब घर बैठे बुलाएं आपकी सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट जो बस आपसे कुछ क्लिक्स ही दूर हैं। डाउनलोड करें एंटी मैटर फिट ऐप, चूज योर सर्विस, चूज योर टाइम एंड चूज योर लोकेशन। सेशन स्टार्ट एट जस्ट ₹99। ठेकेदार ने रोड को बनाने के नाम से खड्डा खोदा है और करीबन एक महीना हो गया, और कल परसों एक लड़की भी इस खड्डे में गिर गई थी। अनबैलेंस होकर के हम दुकानदारों ने मिलके उस लड़की को निकाला। हाँ, परसों रात को 6:30 बजे हमने निकाली है, और ये आचार संहिता लगी है, उसी वजह से बंद है या कैसे बंद है ये हमें नहीं पता। बाकी हमारे दुकानदारों को परेशानी हो रही है, हमारी रोजी रोटी दुकानदार से चलती है भैया। तो कुछ दिन पहले लगी, लेकिन काम तो महीने भर पहले, काम महीने भर पहले से बंद है साहब। बिल्कुल सही बात है ये ठेकेदार को दे, निगम ने तो ठेकेदार को दे दिया। अब ठेकेदार क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ये खड्डे, परेशानी सब दुकानदारों को आ रही है, जितने दुकानदार है हमारी रोजी रोटी इनसे चलती है। दवाई गोली जो भी है, कुछ लोग बीमार भी रहते हैं, मैं कुछ शुगर पेशेंट हूँ, मेरे को दवाइयों के पैसे का बंदोबस्त भी नहीं हो पाता है। रात में हादसे भी होते होंगे यहाँ पर, एक्सीडेंट होते रहते हैं, मोटरसाइकिल वाला इधर से गाड़ी आई उधर से गाड़ी आई, तो वो मोटरसाइकिल वाला उस उधर कूद जाता है उधर। दो तीन को तो हमने निकाला है, अब साहब कोई यहाँ कोई जान नहीं दे रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहे हैं, ठेकेदार बैठ गया जा करके। अगर ध्यान जल्द नहीं देते तो आप आगे क्या करेंगे? हम आगे क्या करेंगे साहब, जो सरकार करेगी, जो क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं हम, तो छोटे मोटे आदमी हैं, मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करने वाले, हम क्या कर सकते हैं। कलेक्टर साहब से मिलेंगे आप लोग? कलेक्टर साहब के अगर सब दुकानदार भाई जाएंगे तो हम भी साथ में जाने के लिए तैयार। आपका नाम? मेरा नाम अलादीन। ये BSNL के सामने वाली जगह है, यहाँ 10-15 दुकानदार है, एक महीने से परेशान हो रहे हैं, कोई ग्राहक आ नहीं जा, दुकान पे चढ़ नहीं सकता है। 5-5, 7-7 फुट खोदा हुआ है और एक महीने पहले ही खोद दिया है। तो आप बताइए, यहाँ 15-20 दुकानदार हैं, इनकी रोटी रोजी का सवाल है। ये प्रशासन हमारे यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कृपा करके हमारी भी सुध लेवे। 15-20 दुकानदार हैं हम, और हमारा इस तरीके से एक महीने पहले से हम परेशान हो रहे हैं। अब हमारे पास ग्राहक आएगा तो कहाँ से आएगा बताइए आप। तो प्रशासन से हमारा निवेदन है, हमारे और ये समस्या का जल्दी से जल्दी हल करें। ये किस चीज़ को लेकर खड़ा हो जाते हैं? अब ये तो बता रहे हैं साहब, ये रोड चौड़ा होगा, रिवाइडर बनेगी, अब ये प्रशासन ही जाने इस मामले में। मगर हमारे को तो यहाँ एक महीने पहले ही हमारे दुकान के सामने 5-5, 7-7 ये फुट गड्ढा खोद दिया, ग्राहक एक भी नहीं आ सकता। हमारे भी रोटी रोजी का सवाल है, हमारे बच्चे एक महीने से परेशान है, कुछ हम धंधा कर नहीं पा रहे। एक दो दिन की बात हो तो कोई बात नहीं, एक महीना हो गया हमारे को, 15-20 दुकानदार हैं हम, एक महीने से परेशान हम। इसको लेकर कहाँ से आगे भी शिकायत देंगे आप? जो आगे हमारे को कोई लाइन दिखेगी तो हम आगे भी जाएंगे, कहीं ऑफिस में जाएंगे, ADM में कहीं भी जाएंगे, प्रशासन जहाँ भी दफ्तर होगा इनका वहाँ, और हम प्रार्थना करेंगे, अप्लाई करेंगे। मतलब काफ़ी परेशान हो चुके हैं बहुत, एक महीना हो गया, एक महीने पहले ही खोद दिया, एक महीने से हमारा धंधा ठप पड़ा सबका, ग्राहक आएगा तो कहाँ से आएगा। तो ये शॉप क्या है? ये शॉप तो सब तरह की है, सब्जी की दुकान भी है, ढाबा भी है, मीट की दुकान भी है, मैकेनिक भी है, कार मैकेनिक भी है, मोटरसाइकिल वाले सभी तरह के हैं, पूरा मार्केट है, 15-20 आदमी होगा। सारे लोगों की स्थिति यही है। हाँ, सब एक महीना पहले खोद दिया, अब हम जावे तो कहाँ जाएं, एक महीने से हमारा धंधा ठप पड़ा है, प्रशासन हमारी तरफ नहीं दे। ये वैशाली नगर में टेलीफोन एक्सचेंज है, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने ये दुकानदार बहुत परेशान है, बहुत दिनों से ये खोदा गया है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमने आज तक ना तो कोई अधिकारी यहाँ पे देखने आया खोदने के बाद, अब इन दुकानदारों को परेशानी हो रही है। परेशानी ये है कि ये वाहन कहाँ खड़ा करें, इनके काम के, इनके रोज़गार के सबके फोड़े पड़ रहे हैं, काम इतने दिनों से डिले कर रखा है इन्होंने, इस काम को ना तो ये पूरा कर रहे हैं, ना ये आगे कोई कार्रवाई हमें करने दे रहे हैं कि हम इसको भर्ती करा के इस्तेमाल में लिया जा सके। किस चीज़ के लिए खोदा गया है ये? दोनों तरफ स्मार्ट सिटी के लिए रोड चौड़ा करने के हिसाब से इसको खोदा गया है। अच्छा। अब आगे इन्होंने जहाँ इनको बोला गया वहाँ तो इन्होंने भर्ती कर दी, अब हमारे यहाँ दुकानदार परेशान हो रहे हैं, मीट की दुकान है, गैराज है, ढाबा है, गैराज है, मिस्त्री की दुकान है, इन लोगों को परेशानी हो रही है, ये है सबसे मेन समस्या। इसको लेकर आप अभी तक इसकी शिकायत कोई अधिकारी को दी नहीं गई है। यहाँ पे जो काम करने वाला जो ठेकेदार था उसको हमने 4-5 बार बोला, मगर वो कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, ये है। करता तो फिर आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे हम कलेक्ट्रेट के पास जाएंगे, कलेक्ट्रेट पे धरना देंगे, उनको शिकायत दर्ज करेंगे, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो। नाम आपका? मेरा नाम है दिनेश कुमार। ये टेलीफोन एक्सचेंज के सामने है और ये सभी दुकानदार हैं जितने भी ये खड़े हैं यहाँ पे, ये खड्डे खोद दिए आज 20 करीब 22-23 दिन हो गए इस चीज़ को,
और सभी मतलब काम धंधे से सभी परेशान है। कई कई की दुकानें यहाँ पर, यहाँ गैरेज भी है, लेंटर भी है, मीट वाले भी हैं, टू व्हीलर वाले भी हैं, ट्रैक्टर वगैरह ये भी रिपेयर करते हैं। क्या दुकान के सामने दुकान, हाँ दुकान के सामने खड्डे हो रखे हैं। अभी किसी को शिकायत दी आपने? सर कोई अधिकारी आए नहीं किसको शिकायत देना। अच्छा, तो अगर क्या करेंगे फिर आगे आप? या तो इसका बहिष्कार करें और कलेक्टर जाके ज्ञापन दे दें। किसको लेकर ज्ञापन? सड़क को लेकर? जी ठीक। आपका नाम? मुकेश सिंह जैतमल।